वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 87 का क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4.20। इसमें कहा गया था पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4t k कैप, वेयर t इज इन सेकंड एंड कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ फॉर द r वेक्टर टू बी मेजर। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हमें डिस्प्लेसमेंट की मदद से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। हमें 2 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये निकालना है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी dr/dt एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन 3t प्लस i कैप माइनस 2t स्क्वायर प्लस j कैप और 4 प्लस k कैप। अब देखिए क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन t की पावर n का फॉर्मूला जानते हैं। डिफरेंशिएशन t की पावर n का फॉर्मूला nt n माइनस 1 होता है। डिफरेंशिएशन t की पावर 1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1t 1 माइनस 1। तो ये आ जाता है 1 × 1, दैट इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन t स्क्वायर की हम बात करें तो भाई देखिए, जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, उसमें से 1 लेस हो जाएगा, तो 2t आ जाएगा आपके पास में। तो वेलोसिटी दैट विल बिकम 3 कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 i कैप, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर j कैप एंड डिफरेंशिएशन 4 ये k कैप, ऐसा बोला जाएगा। वेलोसिटी t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन चेक कीजिए, 1 आ जाएगा, 3 × 1 प्लस i कैप माइनस 2 × t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन k कैप होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है 3 i कैप माइनस 4 t j कैप। अब देखो क्या है, हमें बोला है 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। तो वेलोसिटी विल बिकम 3i कैप माइनस 4 × 2 j कैप, 3i कैप माइनस 8 j कैप। तो 3i कैप माइनस 8 j कैप अगर निकाला जाए तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, ये i माइनस i, ये प्लस j और ये आपके पास में माइनस j होता है। 3 प्लस i मतलब 3 स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। 3 प्लस i, 8 माइनस j, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा स्टार्टिंग, ये रहा एंडिंग जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। अब हम चाहे तो अल्फा निकाल सकते हैं, डायरेक्शन 10 अल्फा, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/3, तो अल्फा इक्वल टू 10 inverse 8/3 आ जाता है। अल्फा इक्वल टू 10 inverse 8/3 इस तरह से निकाला जा सकता है। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है उसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है 3 प्लस i कैप, डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है 4t प्लस j कैप। एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न डिफरेंशिएशन 3 i कैप, 4 कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 j कैप। अच्छा क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 4 t की पावर 1 1 होता है j कैप। तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है माइनस 4 j कैप। तो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और इस तरह से इसका आंसर आएगा। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव